क्लास में पढ़े थे अनुस्वर, जटिल अनुस्वर, अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। अब उसके बाद में कौन सा मात्रा आता है अंग के बाद में? अ, वो भी हमने पिछले क्लास में वो भी हमने खत्म किए थे, अ विसर्ग वाले शब्द। अब इन शब्दों के बाद तो, इन मात्राओं के बाद तक तो आपने सोचा कि अब हमने मात्रा खत्म कर ली, लेकिन और कुछ मात्रा है, विशेषकर एक मात्रा और है, वो है आपका चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जो चांद जैसा दिखता है और फिर उसमें एक बिंदु भी होती है, उसे कहते हैं चंद्रबिंदु, और उसका उच्चारण होता है नेजल वॉइस। ओके, इसीलिए इसका नाम है अनुनासिक, अनुनासिक अथवा चंद्रबिंदु। और चंद्रबिंदु का साइन कैसा है? आधा चांद और ऊपर में एक बिंदु। ओके, दैट इज चंद्रबिंदु। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले शब्द। ये दीर्घ उ, उसके ऊपर क्या है? चंद्रबिंदु। दीर्घ उ चंद्रबिंदु ट ऊट, जब बोलेंगे दीर्घ उ होता है, जाने ऊट ऊट होता है, लेकिन अगर हम चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो ऊ की जगह ऊ हो जाता है। सो जो आवाज होती है प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका नाक से उसकी आवाज निकलती है, नेजल वॉइस भी है। ओके, सो उसका आवाज होगा, उच्चारण होगा ऊट ऊट। नंबर टू है च आकर चंद्रबिंदु द चांद, चांद नहीं होगा, च आकर में चंद्रबिंदु लगा देने से चांद हो जाता है, चांद चांद। जैसे आपने देखा था अनुस्वर विसर्ग, ये सब भी मात्रा के बाद और एक भी मात्रा लग सकता था, उसी तरह से चंद्रबिंदु भी एक मात्रा के लगने के बाद यह चंद्रबिंदु भी लग सकता है। नंबर थ्री है अ चंद्रबिंदु, ग दीर्घ उकार, ठ दीर्घ इकार, अंगूठी, अंगूठी इज रिंग, अंगूठी इज रिंग। अ चंद्रबिंदु, ग उ ठ ई अंगूठी। नंबर फोर है म आकर, होगा तो क्या होगा? मां, म आकर चंद्रबिंदु मां। ओके, म आकर चंद्रबिंदु मां। नंबर फाइव है स आकर चंद्रबिंदु प, सांप। अगर स आकर प होता तो क्या होता? सांप। लेकिन चूंकि चंद्रबिंदु का मात्रा यहाँ पर चंद्रबिंदु है तो वो सांप नहीं, क्या हो जाता है? सांप। स आकर चंद्रबिंदु प सांप। उसी तरह से नंबर सिक्स है ग आकर व गांव, ग आकर चंद्रबिंदु व गांव। नंबर सेवन है व आकर चंद्रबिंदु स रस उ र दीर्घ ई बांसुरी, बांसुरी। नंबर एट है आ चंद्रबिंदु व ल आ आंवला। नंबर नाइन है प आकर चंद्रबिंदु व पांव। नंबर टेन है ह चंद्रबिंदु स न आ हंसना। ओके, तो फिर अब एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं और हम पढ़ के सुनाते हैं। नंबर वन दीर्घ उ चंद्रबिंदु ट ऊंट, ऊंट आप जानते हैं, ऊंट इज अ कैमल, दीर्घ उ से ऊंट, वही कैमल। नंबर टू च आकर चंद्रबिंदु द चांद, चांद इज मून। नंबर थ्री है अ चंद्रबिंदु ग उ ठ ई अंगूठी, अंगूठी इज रिंग। नंबर फोर है म आ चंद्रबिंदु मां, मां इज मदर, अंगूठी इज रिंग, यस। नंबर फाइव है स आकर
चंद्र बिंदु और सांप, सांप मीन्स स्नेक, यस। उसी तरह से नंबर सेवन है ग आकर चंद्र बिंदु व गांव, गांव का मतलब है विलेज। नंबर सेवन है ब आकर चंद्र बिंदु स उ र ई बांसुरी, बांसुरी मीन्स फ्लूट, जो बजाते हैं कृष्ण भगवान के पास रहता है ना वही बांसुरी फ्लूट। नंबर एट है आर चंद्र बिंदु व ल आ आंवला, आंवला पता है बच्चों छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, एक कोई बड़े वाले भी मिलते हैं लेकिन बेसिकली छोटा वाला होता है, वो बहुत खट्टे होते हैं और उसका अचार भी मिलता है, मुरब्बा भी मिलता है और ये जिस जगह में गर्मी होती है वहां मिलता है, आंवला कहते हैं। नेपाली में भी इसको आंवला ही बोलते हैं, आंवला। नंबर नाइन प आकर चंद्र बिंदु व पाव, पाव मीन्स पैर, लेग। नंबर टेन ह चंद्र बिंदु स न आ हसना, हसना मीन्स टू लाफ, हसना टू लाफ। सो ये आप इन 10 शब्दों को अच्छी तरह से याद कीजिए और चंद्र बिंदु लगाने से उसमें क्या हो जाता है, आवाज में थोड़ी नाक से उच्चारण होता है, जैसे यहाँ पे क्या था ग आ व गाव होता है, लेकिन ग आ चंद्र बिंदु व होगा तो क्या हो जाता है गांव। सो इसी तरह से अब यही चंद्र बिंदु वाले शब्द को लगाकर हम लोग यहाँ खाली जगह भरेंगे, चलिए पढ़ते हैं। नंबर वन मेरी माँ सबसे सुंदर सुंदर है, मेरी माँ सबसे सुंदर है। सो क्या होगा यहाँ पे मेरी डैश सबसे सुंदर है, तो डैश की जगह में क्या लिखना है आपको माँ, ओके। वे कल कल अपनी, अपनी ग आ चंद्र बिंदु व गांव, जा ए चंद्र बिंदु ग ई जाएंगी, वे कल अपनी गांव जाएंगी, वे कल अपनी डैश जाएंगी, तो क्या हो गया यहाँ गांव, वे कल अपनी गांव जाएंगी। उसी तरह से नंबर थ्री है वो आर चंद्र बिंदु वहां, वहां मीन्स दे, भ आर चंद्र बिंदु त ई भांति, भ आर चंद्र बिंदु त ई भांति, क ए के प ए अड़ पेड़ ह आई है, वहां भांति भांति के पेड़ है, भांति भांति मीन्स तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, ओके। वहां डैश के पेड़ है, वहां क्या है भांति भांति के पेड़ है, भांति भांति मीन्स तरह तरह के, ओके। नंबर फोर हम हम सब सब प ए अड़ा पेड़ क ई की छ आ चंद्र बिंदु व छाव, म ए अक्षर में ब आई ठ ए अनुसर ग ए बैठेंगे, हम सब पेड़ की छाव में बैठेंगे। व्हाट इज छाव, छाव मीन्स छाया शेड, हम सब पेड़ की डैश में बैठेंगे, तो यहाँ क्या है छाव शेड में छाया में, हम सब पेड़ की छाव में बैठेंगे। नंबर फाइव है ह हम ह चंद्र बिंदु स त ए हंसते, ग आ त ए गाते, ख उ व खूब, ख ए ल ए अनुसार ग ए खेलेंगे, और म ज ए मजे,
क र ए अनुसार क ए करेंगे। हम हंसते गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे। ओके सो यहाँ हम डैश गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे। तो यहाँ क्या होगा हंसते, हम हंसते गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे। ओके आप यहाँ एक देख रहे हैं ज के नीचे बिंदी है, दिखा यह आपने अब तक तो बिंदी क्या देखा था अनुस्वर का बिंदी देखा था जो हर अक्षर के ऊपर लगता है, समझे? लेकिन ये जो नीचे लगा हुआ है इसका मतलब है ये कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ण है, ज, समझे? ज है लेकिन इसके अगर नीचे लगा जाएगा म ज एक मजे होगा, लेकिन इसके नीचे यह बिंदु लग गया तो ये क्या हो जाएगा मजे। बाजा के नीचे बिंदु होगा नहीं रहेगा तो होगा बाजा, लेकिन बा ज आ के नीचे बिंदी लग जाएगा तो र लिखेंगे तो फिर क्या होगा बाजा, ज इसका प्रोनाउंस होगा ज, मजे मजे नहीं होगा मजे मजे लेकर आएंगे। ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये अनुस्वर कैसे नीचे गिर गया ऐसा मत सोचना, और ये गलती से लगा ये भी ना मत सोचना, इसे जानबूझ के लगाया गया है ताकि उसे ज के उच्चारण हो सके, क्योंकि ज होता है ज झ होता है लेकिन ज नहीं होता, इसीलिए इसे ज का उच्चारण देने के लिए यह लगाया जाता है। आप बड़े क्लास में पहुंचेंगे तो आप इसके बारे में और भी जानकारी आपको हासिल होगी। चलो बच्चों एक बार फिर से हम लोग ये सब पढ़ते हैं और उसको आप भी घर में पढ़िएगा। दीर्घ उ चंद्रबिंदु ट ऊंट, च आकर चंद्रबिंदु द चांद, अ चंद्रबिंदु ग ऊठ ई अंगूठी, म आ चंद्रबिंदु म, स आ चंद्रबिंदु प सांप, ग आ चंद्रबिंदु व गांव, ब आ चंद्रबिंदु स उ र ई बांसुरी, आ चंद्रबिंदु व ल आंवला, प आ चंद्रबिंदु व पांव, ह चंद्रबिंदु स न आ हंसना। और एक बार फिर से ये पढ़े, मेरी माँ सबसे सुंदर है, माय मदर इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वे कल अपने गांव जाएंगी, शी विल गो टू हर विलेज टुमारो, कल गांव, ओके, वहां भांति भांति के पेड़ है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज देयर, हम सब पेड़ की छांव में बैठेंगे, विल सिट देयर अंडर द शेड ऑफ द ट्री, हम हंसते गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे, वी विल प्ले लाफ एंड विल एंजॉय देयर अ लॉट। ओके सो विद दैट वी फिनिश दिस एंड होप यू ऑल आर स्टडीइंग एज यूजुअल, आई से स्टडी नाइसली, get prepare yourself for the exams, क्योंकि we don't know till when the lockdown is going to be there, so study well, stay home and stay safe and of course have a good day.